It was a dream for me playing in Melbourne Cricket Stadium and playing against one of the best team, Australia, and to give two breakthroughs in one over for my team. So yes, playing after a long time, but to be very honest, I was like talking to myself that I have to prove myself if I want to play international cricket for my country. If you see my last three matches, I bowled well, but to be very honest, I didn't take wicket for my team. So that's the thing, that in this game, I always wanted to take wickets for my team. मेरे ख्याल से मैंने जब से मैच स्टार्ट हुआ है सारी चीज़ों को बिल्कुल नॉर्मल और बेसिक पे रखा है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि पिच में है फास्ट बॉलर्स के लिए बॉल स्विंग सीम हो रहा है, तो मैंने इसको बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ था। जो मेरे अंदर स्किल्स हैं, अगर मैं दोनों स्विंग कर सकता हूँ तो स्पेशली जब नया बैट्समैन आता है तो मेरे लिए बड़ा अच्छा मौका होता है, क्योंकि बैट्समैन सेट नहीं होता। और मेरे ख्याल से ट्रेविस हेड के साथ जो है मेरी यही सोच थी कि शायद वो मेरे लिए आउट स्विंग के लिए रेडी है, तो मैं स्विंग करूँ उसके लिए। आप हैं शहीन हैं दो लेफ्ट आर्म हैं, आप फर्स्ट चॉइस नहीं थे बट नहीं खेले, मगर यहाँ पे आप खेले हैं। इससे पहले भी आप टेस्ट डेब्यू पाकिस्तान के कर चुके हैं, उसमें अगरचे आपको इत्यादि नहीं मिली थी, तो कहीं पे आपको दबाव था कि एक ये अपॉर्चुनिटी मिली है मेलबर्न के अंदर तो उसको हम गेम करें, आपके माइंड में क्या था इस बीच गैप में जो हुआ? मैंने इन सारी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक पे रखा हुआ था, और जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में होती हैं या एज़ अ प्लेयर जो चीज़ें प्लेयर के कंट्रोल में होती है, मेरे ख्याल से हम सारे प्लेयर्स उसी चीज़ का सोचते हैं। मेरे दिमाग में यही था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं कोशिश करूँगा कि मैं परफॉर्म करूँ। आप पहले टेस्ट में देख लें, खुर्रम शहजाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बाकी बॉलर्स ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, और मैं बस अपने मौके का इंतज़ार कर रहा था, और मेरे ख्याल से ये बेहतरीन मौका है मेरे लिए। आपने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की आज, लेकिन एक क्वेश्चन हो रहा है पेस को लेकर पाकिस्तान की, तो क्या कहेंगे एज अ बॉलर कितनी जरूरी होती है वो पेस? मेरे ख्याल से बॉलर को अपनी क्वालिटीज़ और अपने स्किल्स का पता होता है। कुछ बॉलर्स होते हैं जो सीम स्विंग के लिए मशहूर होते हैं या जो अच्छा सीम स्विंग कर सकते हैं, कुछ बॉलर्स होते हैं जो पेस से बैट्समैन को डिस्टर्ब करते हैं। मेरे ख्याल से जहाँ तक आप बैट्समैन को डिस्टर्ब कर रहे होते हो वो मेन चीज़ होती है, चाहे वो आप पेस से करते हो या सीम स्विंग से करते हो। और मुझे मेरे स्किल्स का पता है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने स्किल्स पे रहूँ। अच्छा, अंपायर सॉल्व में बताया क्या कहेंगे, समझते हैं कि पाकिस्तान को अंपायर सॉल्व से इतना फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। अंपायर्स खुद एक डिसीजन लेते हैं जो दोनों टीमों के लिए होता है इन दी एंड, लेकिन इसमें ऐसा था कि हमने भी एक दो रिव्यू लिए लेकिन वो उस तरह हमें फ़ायदा नहीं दे पाई, पर ये पार्ट ऑफ गेम है। हमजा, 2010 में आखिरी मरतबा सिडनी में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की टीम से खेली थी, ये 13 साल बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने 16 आउट कर लिए हैं। तुम तो लेकिन पाकिस्तान की पेस लेटरी का आप हिस्सा बने हो, आपने क्योंकि कहा कि मेरा फोकस था कि मैं अपनी बेसिक्स पे रहूँ, कितना आपको अच्छा लग रहा है आपकी फैमिली के लिए, आपकी चार सरकार बीते इस जर्नी को लेकर आपका क्या मैसेज है? मेरे ख्याल से अगर पहले मैं टीम की बात करूं, हम लोग जब से यहाँ ऑस्ट्रेलिया आए हैं, अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैचेस खेल रहे हैं, हमारा मेन पर्पस यही है कि हम यहाँ से जीत के जाएं। और इस मैच में हमने 16 आउट कर दिए हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम 20 आउट करें और मैच जीतने की कोशिश करें। और जहाँ तक बात फैमिली की है, तो ज़ाहिर है हर क्रिकेटर या हर एथलीट अपनी फैमिली के लिए खेलता है, अपने मुल्क के लिए खेलता है, और मेरे लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात नहीं है कि परफॉर्मेंस तो कभी होती है कभी नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान के लिए खेलना फैमिली के लिए बड़े एहसास की बात है। 2018 में आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया और आपका पहला शतक ईशान मार्श को इनके भाई जमाश को आपने आउट किया, फिर ट्रेवर सेट को जो बॉल आती थी शायद सीरीज की सबसे बेहतरीन बॉल थी, तो आपके लिए यादगार लम्हा कौन सा था? मेरे लिए यादगार लम्हा यही होगा कि हम पाकिस्तान के लिए ये टेस्ट मैच जीते और उसमें मेरी परफॉर्मेंस
ऐसी हो कि जिससे पाकिस्तान टीम को जीतने में मदद मिले। लेकिन बहरहाल अगर आप बॉलिंग की बात करें तो मेरे ख्याल से मेरे लिए भी जो सबसे अच्छा मोमेंट था वो वही ट्रेविस हेड को आउट करना। आप PSL में खेलते हैं, आपने उसमें भी काफी अच्छे स्पेल किए था टीम की तरफ से, मगर आपको पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ा जाता है रेड बॉल के, आप खुद को तैयारी समझते हैं कि आपको व्हाइट बॉल की इक्वली गुड है? मेरे ख्याल से जितने क्रिकेटर्स हैं वो सारे क्रिकेट के लिए जो है वो कोशिश भी करते हैं और खेलते भी हैं और परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन बात इन दी एंड आती है कि आपके मुल्क को या आपकी टीम को किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर इस वक्त मेरी टीम को रेड बॉल में मुझसे परफॉर्मेंस की ज़रूरत है तो मैं उसी की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू।